हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक बेस्ट इंडिकेटर स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आपको यहाँ पे चैनल पे आके वीडियो देखनी है। वीडियो की एक्यूरेसी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आके पहले आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है। वीडियो को स्किप करने की आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसी प्रकार आप सेटअप को अप्लाई करके पेपर ट्रेड करिए। सबसे पहले पेपर ट्रेड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो तो उसके बाद आप रियल अमाउंट से ट्रेड करिए, या फिर रियल अमाउंट से अगर आप ट्रेड करते हो एक या दो लॉट से बैक टेस्ट कर सकते हो। छोटा लॉस रखिए, अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट को ट्रेड करते चलिए। एक अच्छा प्रॉफिट आप एक या दो लॉट से भी कर सकते हो। तो बिना देरी करते हुए चलते ट्रेडिंग। हम आ गए ट्रेडिंग रूम में। जिनको नहीं पता है, सिंपल है, एक ईमेल आईडी से क्रिएट करना है। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं, यूआरएल डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, दो इंडिकेटर के कंफर्मेशन से ये सेटअप अप्लाई किया गया है। आपको मैं बता दूँ कि किस प्रकार यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो ये देख लीजिए आप, दोनों इंडिकेटर जब आपके ग्रीन होंगे और क्रॉस ओवर होना चाहिए दोनों इंडिकेटर के बीच में, तभी आप इसमें कॉल साइड की पोजिशन बना पाओगे। कॉल साइड की पोजिशन बनाने से पहले आपको नीचे हिस्टोग्राम देखना है। जो आपका हिस्टोग्राम होगा वो जीरो लाइन से ऊपर होगा, और इसकी जो ये व्हाइट वाली लाइन है ये जीरो लाइन के ब्रेक करते हुए हिस्टोग्राम के ऊपर होगी। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप इसमें कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाओगे। अब पोजीशन किस प्रकार बनानी है, जब ये क्रॉस ओवर देगा जिस कैंडल पर, उसकी क्लोजिंग के बाद उसकी अगर नेक्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग देखनी है, ग्रीन कलर की होनी चाहिए, वो भी ऊपर, तो फिर थर्ड कैंडल पर बाय करेंगे। एसएल आप अपना कहाँ रखेंगे, जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है वहाँ पर अपना एसएल रखिए, या फिर 1:2, 1:3 का टारगेट लेके आप चल सकते हो, या फिर पॉइंट लीजिए आपको 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जितने भी आपको लेने हैं। 50, 100 पॉइंट तो इजीली आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे भी हम अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये देख लीजिए 280 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। काफ़ी अमेजिंग है, 280 कम नहीं है। ऐसी बात करेंगे हम डाउन साइड की पोजिशन के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए डाउन साइड के लिए पोजिशन आप किस प्रकार बनाओगे। जो ये आपका हिस्टोग्राम है वो जीरो लाइन से नीचे होगा, तभी आप इसमें ट्रेड प्लान करोगे। और जो आपके इंडिकेटर है दोनों रेड होंगे, क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर के बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो भी आपकी रेड होनी चाहिए, क्लोजिंग नीचे होगी, थर्ड कैंडल पर आप बाय कर सकते हो। आपका एसएल क्रॉस ओवर पर रखिए, या फिर 1:2, 1:3 का टारगेट लेकर चलिए। आपको सीधा देखना है फिर क्या पॉइंट, या तो पॉइंट लीजिए 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1:2, 1:3 का टारगेट लगा के रखिए। वो टारगेट कंप्लीट होते ही अपनी ट्रेड को एग्जिट करिए, या फिर ये जब इंस्टोग्राम अपना कलर चेंज करेगा, या ये दोनों में से कोई सा भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है तो आपको एग्जिट करनी है। यहाँ पे चेक कर लीजिए कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, ये देखिए 563 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ से हम फिर बात करेंगे कॉल साइड की पोजिशन के लिए, ये देखिए कॉल साइड की पोजिशन आप किस प्रकार बनाओगे। यहाँ पर ये इंस्टोग्राम आपका ग्रीन हुआ है, और ये जो आपका इंडिकेटर है ये भी ग्रीन हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है उसके नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए, क्लोजिंग ओपन होनी चाहिए। इसका जो मेन पॉइंट है, जो कैंडल आपकी हाई लो मार्क करती है, जिस पे क्रॉस ओवर होगा उसका हाई लो मार्क करके रखिए। हाई लो मार्क करके जो ब्रेक हो जाए तभी आप इसमें ट्रेड प्लान करिए। हाई और लो के बीच में मार्केट मूव करा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अभी तक ट्रेड प्लान नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पर इसका हिस्टोग्राम भी नहीं है। यहाँ पर हिस्टोग्राम इसका बनने लगा है, तो जब ये इसका हिस्टोग्राम बनने लगा है, इसका हाई ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल ने, तो इस कैंडल का आप बाय कर सकते हो। आपका एसएल ये होगा, और ये लीजिए पॉइंट, एक अच्छा खासे पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। चेक करते हैं कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, ये देखिए आपको मिले हैं 272, काफ़ी अमेजिंग है, 272 कम नहीं है। ये सेटअप आप निफ्टी 50 पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में जो आपका सेटअप होगा ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा, आप इसमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करोगे। इसे सेटअप को दोनों अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊँगा, एक ही सेटअप दोनों पर यूज़ किस प्रकार हो रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा, इसका हिस्टोग्राम भी आपका ग्रीन होगा, जीरो लाइन से ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब ये दोनों इंडिकेटर अपने ग्रीन होंगे, क्रॉस ओवर देगा, उससे अगली कैंडल पे आप बाय करेंगे। बाय आप यहाँ पे करेंगे, आपका एसएल होगा ये, या फिर 1:2, 1:3 का टारगेट लीजिए, और ये देखिए पॉइंट आपके कम्प्लीट हो जाएंगे। 1:2, 1:3 का टारगेट आपका ईजिली कम्प्लीट होगा ही होगा गाइज। ये देखिए आपको मिले हैं 82 पॉइंट, काफ़ी अमेजिंग है, निफ्टी में 82 कम नहीं है। यहाँ से हम फिर देखेंगे डाउनसाइड की पोजीशन के लिए, ये देखिए साइड में मार्केट में आप किस प्रकार पता लोगे।
यहाँ पे आप क्लिक करना, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ये देखिए, ये आपका हिस्टोग्राम है। यहाँ पे आपने एक ट्रेड ली कॉल पोजीशन की, उसके बाद यहाँ से डाउनसाइड की पोजीशन बन गई। तो इसका हाई और इसका ये लो आप मार्क करके रखना। ये हाई ये लो मार्क हो गया, इसके बीच में जब तक मार्केट मूव करेगी आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, ट्रेड प्लान नहीं करना है बिल्कुल भी। या तो ये इसके हाई को ब्रेक करेगी तो कॉल पोजीशन लेनी है, इसके लो को ब्रेक करेगी तो आपको डाउनसाइड की पोजीशन बनानी है। यहाँ पे हम बात करेंगे डाउनसाइड की पोजीशन की। क्रॉस ओवर हो रहा है, दोनों इंडिकेटर आपके रेड है, उसके नीचे आपकी रेड कैंडल है, हिस्टोग्राम भी आपका रेड है, जीरो लाइन से नीचे है, कंडीशन फुलफिल हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल पर आप बाय कर सकते हो। बाय आप कहाँ पे करोगे, इस कैंडल पे। ये आपका एसएल होगा और पॉइंट ये लीजिए, एक अच्छे खासे पॉइंट आपको यहाँ पे अचीव होंगे। चेक कर लीजिए कितने पॉइंट मिले, ये देखें यहाँ पे आपको मिले हैं 100 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो ये देखिए 167 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ, फिर से यहाँ पे देख लीजिए कॉल पोजिशन के लिए दोनों इंडिकेटर आपके ग्रीन है, क्रॉस ओवर हो रहा है, नीचे आपका हिस्टोग्राम भी ग्रीन है, जीरो लाइन से ऊपर है, व्हाइट वाली लाइन हिस्टोग्राम के ऊपर है। कंडीशन फुलफिल होते ही आपको तुरंत बाय नहीं करना है, जो कैंडल क्रॉस ओवर दे रही है उसके हाई को भी ब्रेक होना है और क्लोजिंग ऊपर होगी ग्रीन कलर की, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। ये आपका एसएल हो गया और ये देखिए एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिली है, और यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करिए। टारगेट कंप्लीट होते ही आप ट्रेल भी कर सकते हो, अपने प्रॉफिट में ही अपना एसएल लगा के उसको ट्रेल करते हुए चलिए। 200 पॉइंट मिले, देखिए 100 पॉइंट आपको फालतू मिल चुके हैं अगर आप ट्रेल करते हुए चलोगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए सेटअप की बात करते हैं। सेटअप आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी में, फिफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ, इंडिकेटर को भी मैं रिमूव करता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, बैंक निफ्टी, निफ्टी किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। जो इसके टाइम फ्रेम की बात की जाएगी वो होगा 5 मिनट और 15 मिनट, इस पर आप दोनों पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप निफ्टी फिफ्टी लोगे तो उस पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ करिए। कैंडल जो होगी वो आपकी हाई कैनेसी या नॉर्मल आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इंडिकेटर के सेक्शन में चलना है और यहाँ पे आपको सर्च करना SSL हाइब्रिड, SSL हाइब्रिड, ये आपको इंडिकेटर दिख रहा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। सेकेंड इंडिकेटर को आप सर्च करेंगे क्यों क्यों ई मोड, क्यों क्यों ई मोड, ये आपको इंडिकेटर दिख रहा, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको कट करेंगे। दोनों इंडिकेटर कुछ इस प्रकार अप्लाई हो जाएंगे। अब बात करी जाएगी इनकी सेटिंग की, तो सेटिंग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, स्किप मत करिए वीडियो को। आपको क्या करना है, इनपुट में आना है, ये जो 100 SSL 1 है इसको आप चेक कर लीजिए। अब आपको स्टाइल में आना है, स्टाइल में आके क्या करेंगे, एग्जिट एरो, ये जो एम ए बेस लाइन है इसका कलर आप ग्रीन करेंगे और इसके कलर आप रेड करेंगे। आपको SSL 1 में आना है, इसको भी आप ग्रीन कर लीजिए, इसको भी आप रेड कर लीजिए। उसके बाद ये जो इसका बार कलर है इसका भी आप कलर ग्रीन में और रेड में कन्वर्ट कर लीजिए, हो चुका है। उसके बाद नीचे आना है, ये जो इसका अपर साइड और लोअर साइड हो इसको आप अनचेक कर दीजिए, इसके बेस लाइन को भी आप अनचेक करेंगे, SSL 2 को भी आप अनचेक करेंगे, ATR+, ATR- प्लस बैकग्राउंड को भी आप अनचेक कर दीजिए, इसके लेवल वॉल्यूम को भी आप अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए सेटअप, ये इंडिकेटर हो चुका है। अब सेकेंड इंडिकेटर की बारी है, तो इसके सेटिंग में आना है आपको, इनपुट में कुछ भी नहीं करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में सिर्फ इसके कलर को आप क्या करेंगे, ग्रीन, और इसको हम रेड कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए सेटअप अप्लाई हो चुका है। सेटअप देख लीजिए काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ सेटअप बना गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अमेजिंग लेकर आएंगे आपके लिए।